लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक आम आदमी पूरी जिंदगी कमाता है तब जाकर किसी तरह दो कमरे का घर बनाता है, पर जमीन माफिया उसे रातों रात ध्वस्त कर देता है। हो सकता है सरकार प्रशासन इन तमाम चीजों को अब काबू कर भी ले, पर एक आम आदमी की आह बहुत भारी होती है। जमीन माफियाओं पर प्रशासन कार्रवाई करे या ना करे, पर यह आह उन्हें अंदर तक जरूर झकझोर देगी। ऐसा ही कुछ किया है बोकारो के जमीन माफिया ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राजू जो कि जमीन का काम करते हैं, अभी हम विगत यहाँ बाउंड्री वॉल करके अपना घर में रह रहे थे तो सुबह 8 बजे हमें बुला करके गाली गलौज करने लगे और बोलने लगे तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो रात में आग लगा के जला कर मार देंगे। फिर पुनः दूसरे दिन भी हम को वो और उनके दोनों पुत्र ने धमकी दिया कि यहाँ से भाग जाओ। कल मैं रात 10 बजे तक यहाँ था, उसके बाद मैं यहाँ से चला गया पेट दर्द होने के कारण। तो रात में उन्होंने मेरा बाउंड्री वॉल सारा चीज ढा दिया और हमारे आगे में जो गुमटी लगी हुई चाय नाश्ता की उसे भी उन्होंने जबरदस्ती ढकेल दी। आखिर कौन है अर्जुन यादव उर्फ राजू? क्या चास का मेयर है अर्जुन यादव उर्फ राजू? क्या चास का नगर आयुक्त है अर्जुन यादव उर्फ राजू? क्या बोकारो का DCI SP अर्जुन यादव उर्फ राजू? या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है अर्जुन यादव उर्फ राजू? तो फिर निर्माण तोड़ने का हक किसने दिया अर्जुन यादव? ये टूटे ईंट पत्थर चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि यहाँ निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है, पर न इसे नगर निगम ने ध्वस्त किया है न प्रशासन ने ध्वस्त किया है, इसे ध्वस्त किया है एक जमीन माफिया ने। घटना चास थाना क्षेत्र के सोलागीडीह मेन रोड की है। जमीन माफियाओं ने स्थानीय निवासी संचित भगत के घर को ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, ठीक इस घर के बाहर एक छोटी सी गुमटी थी, माफिया ने उस गुमटी को भी नेस्तनाबूद कर दिया। अब गजब बात सुन लीजिए, इस पीड़ित ने पुलिस से फरियाद भी की थी, पर पुलिस ऐसी शिकायतों को कब सीरियसली लेती है, जो इस बार लेती सो इस बार भी नहीं लिया। मैंने थाना प्रभारी चास को भी इसकी सूचना 2 दिन पूर्व पहले दे चुका हूं और SP साहब के यहाँ भी 2 दिन पहले अपने सूचना दे चुका हूं, लेकिन लगातार ये जमीन माफियाओं का जो मनोबल है वो ऊंचा होते जा रहा है, बना बनाया घर को तोड़ रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए और इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार। 11 साल से घूमती कर रहे हैं, चाय नाश्ता बेच रहे हैं, बाल बच्चा का बाल पोष कर रहे हैं, 7-8 साल हैं, 7-8 गो बाल बच्चा है, इसी से रोजी रोटी मेरा चलता है। क्या हुआ? और गुमटी रात में, आज रात में 1:30 बजे ये लोग बाप बेटा मिलकर सब मिलकर और गिरा दिया है, नली में ढकेल दिया है और पीछे का भी घर था उजाड़ तोड़ ताड़ कर रख दिए हैं लोग। कितना नुकसान हुआ? कम से कम 60-65 हज़ार का मेरा नुकसान है। अब प्रशासन को तय करना है इस जमीन और गुमटी मालिक को इंसाफ देने की उसकी नियत है भी या नहीं है। एक भूमाफिया खुलेआम निर्माण नेस्तनाबूद करवा देता है और कोई एक्शन नहीं होता, सिस्टम पर सवाल तो खड़ा होगा ही। बोकारो से न्यूज 11 भारत के लिए सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। और बोकारो से सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ हैं। सुरेंद्र, एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, एक गुमटी वाला, एक आदमी जिसने दो कमरे का घर बनाया हुआ था, पुलिस प्रशासन सबको जानकारी दे दी, इसके बावजूद रातों रात अगर घर धंसा दिया गया है तो इसका मतलब है कि सामने वाला जो भी शख्स है वो बहुत प्रभावशाली है, बहुत पावरफुल है, जिसे लगता है कि कानून को वो मैनेज कर लेगा। सुरेंद्र, बताया है कि 29 तारीख को ही बोकारो मुझे ऐसे ऐसे धमकी दिए जा रहे हैं और बीते रात जिस तरह से जमीन माफियाओं ने उसके घर को तोड़ दिया, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आप ही समझिए भारती कि जिस तरह से लोग अपने घर को बनाने के लिए दिन रात कमाते हैं, मेहनत करते हैं कि एक आसियाना बनाएंगे और किसी तरह से रोजी रोटी कमा कर रहे, जब यह आसियाना बनता है तो जमीन माफियाओं की नजर उस पर रहती है और वह जमीन बने घर को ध्वस्त कर देते हैं। यह मामला चास के जो सोलागढ़ी तालाब के पास की है और जो पीड़िता है वो काफी गरीब है, किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो सरकारी अमीन है उससे जमीन माफी करके और उससे अलग भी कर दिया गया था, बावजूद इसके यह लोग उसे धमकाते थे कि अगर तुम ये जमीन और घर खाली नहीं करोगे तो तुम्हें घर के अंदर चलाकर मार दिया जाएगा। लेकिन किसी ना किसी तरह से जिस तरह से प्रशासन को सूचना दी गई थी, प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना था।
प्रशासन ही के पास लोग जाते हैं कि हमारी जो समस्या उसका समाधान हो सके। लेकिन आज जिस तरह से सुबह में भी प्रशासन को सूचना दिया गया, जांच पुलिस को सूचना दी गई, उसके बाद भी वहां पर समय पर नहीं पहुंची। उसके हौसले बुलंद है और इस तरह के जो कारगुजारी किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से, उनको उनका मनोबल और बढ़ेगा। भारती सुरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि उस गरीब को प्रशासन और पुलिस इंसाफ दे। पुलिस और प्रशासन को इंसाफ उस शख्स को देना ही पड़ेगा जिसने दो कमरे का घर बना करके उम्मीद की कि वो अपनी बाकी का जीवन यहां पर गुजारेगा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी। और यहां डंके की चोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे चतरा में कुछ गांव है जो बारिश में डूबने के कगार पर है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे डंके की चोट पर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।